गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पर मैं सुबह सुबह माता रानी का पूजा कर ली हूँ, आरती भी कर ली हूँ। और जैसे मैं सिंपल सा पूजा करती हूँ बस वैसे ही की हूँ। धूप वूप भी धरा लिए है और आज है नवरात्रन का दूसरा दिन, मतलब मंगलवार। तो ये मंगलवार का वीडियो है, लेकिन बुधवार को वीडियो जाएगा ये। तो देखिए मेरा पूजा पाठ हो गया है। मैं सबसे पहले आज सवेरे नाश्ता ही बनाई हूँ, उसके बाद पूजा करी हूँ। और यहाँ पर मैं धूप धरा दी हूँ, और धूप धराने से घर में ना बहुत ही सुंदर खुशबू फैल जाती है, तो इससे बहुत ही अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। तो चलिए मैं नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद मैं खाना भी बनाऊँगी। तो फ्रेंड, मैं नाश्ता करके चली आई खाना बनाने। यहाँ पर मेरा चावल बन चुका है, यहाँ बैंगन का भजा बना रही हूँ देखिए, और इधर मैं लाल साग काट के रखी हूँ, लाल साग बनाऊँगी। यहाँ पर तोरई का सब्जी बन गया है, दाल भी बन गया है, करेला का भुजिया भी बनाई थी तो थोड़ा सा है, सुबह में सभी खाए हैं, तो आज मेरा यही खाना बन रहा है। और मेरे जितने ही फ्रेंड है बहुत ही अच्छा से वीडियो डाल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है नवरात्रन का सबका पूजा पाठ देखना, बहुत ही अच्छा फील होता है। और हर किसी के वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिल रहा है, और जैसे मैं सीख पा रही हूँ वैसे हर कोई भी सीख पा रहे हैं। हर एक दूसरे का वीडियो देखकर बहुत ही कुछ सीखने को मिलता ही है। तो यहाँ पर मेरा बैंगन का भाजा बन रहा है, और बेसन का पैकेट लाए थे तो उसको मैं डाल दी, और हल्दी का पैकेट भी लाए थे तो उसको भी मैं डब्बा में रख ली हूँ। तो यहाँ पर मैं भाजा बना रही, और मेरी ना 2-3 दिन से मतलब फीवर जैसा लग रहा है, ऊपर से गर्म नहीं है शरीर लेकिन अंदर से फीवर जैसा है, और मेरा आँखों भी काला हो गया है। तो इस वजह से टेंशन मन में चल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मन बहुत अशांत हो गया है, और माँ दुर्गा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ होने से मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ही दिक्कत हो जाती है घर में। तो यहाँ पर मैं बैंगन का भाजा बना रही हूँ, और उसके बाद मैं कल ड्रेस लेकर आई थी, जिस दिन कलश स्थापना हुआ था उस दिन मैं लेकर आई थी। मैं कल वाला वीडियो में आपको मैं बताई हूँ, तो सिर्फ बच्चे के लिए 2 ड्रेस लिए हैं, 2-2 करके, तो मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और फ्रेंड यहाँ देखिए खिड़की से कितना धूप आ रही है, और इसी वजह से कैमरा अच्छा से नहीं हो पाती है, तो किचन का कैमरा थोड़ा सा ख़राब लगता है देखने में, लेकिन क्या करूँ, किचन सीढ़ी के नीचे है तो इसलिए अंधेरा रहता है। तो मैं दिन को भी लाइट लगा कर रखती हूँ, और रात को भी जलाती हूँ लाइट, रात को फिर ठीक लगता है, दिन में थोड़ा अंधेरा लगता है। तो मेरा बैंगन का भाजा बन गया है, साग काट कर भी रखी हूँ, दाल चावल भी बन गया है। तो देखिए यहाँ मैं खाना बना के आ गई हूँ अपने रूम में, बहुत ही गर्मी लग रहा था, तो चलिए मिलते हैं शाम को। हाय फ्रेंड, तो मैं चली आई हूँ बच्चों का ड्रेस लेकर दिखाने के लिए, जैसे कि मैं अगले वीडियो में बताई थी। तो बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए हैं, वही मैं दिखाने वाली हूँ, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ज़रूर बताइएगा कैसा हुआ है। तो पहले मैं अपनी बेटी का दिखा रही हूँ, छोटी वाली का, और एक ये लिए है देखिए, ये नया निकला है, इसका जो क्या नाम बोल रहे थे, इस बार बहुत चला है ये ड्रेस, इस तरह का है देखिए, थोड़ा येलो येलो में है, और हाथ इस तरह का है, दो ड्रेस हो गया है फिर, और ये आरुषी के लिए है देखिए, इस तरह का है, तो आपको ये ड्रेस कैसा लगा और उसी का जरूर बताइएगा। और फ्रेंड, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, मतलब कि लग रहा है जैसे कि अंदर में फीवर है, ऊपर से फीवर नहीं लगता है, गर्म नहीं है शरीर लेकिन अंदर से फील हो रहा है, और आँख से भी कैसा काला हो रहा है, तो पता नहीं, टेंशन हो रही है। तो अभी तो दुर्गा पूजा है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ डॉक्टर दिखाऊंगी, और इस तरह से होने से ना हस्बैंड जी का मूड भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि एक मैं ही घर में एक लेडीज हूँ जो कि सबको संभालती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन लोगों को टेंशन होने लगता है। तो जाहिर सी बात है, एक पापा जी है, मतलब ससुर जी है, तो इसीलिए बहुत ही टेंशन हो रहा है मन में, लेकिन दुर्गा पूजा भगवान करे अच्छा से कट जाए तो ज़रूर डॉक्टर दिखाऊंगी। तो बच्चों का कपड़ा आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा।
और ये बेटा के लिए शर्ट लिए है, देखिए हल्का गोल्डन व्हाइट जैसा है, देखिए ये बेटा के लिए ये है फुल शर्ट है। और एक गंजी लिया है बेटा, अभी नहीं खोल रही हूँ क्योंकि फिर इसको भाज करने में दिक्कत होगा, मुझे अच्छा से भाज करना नहीं आता है। देखिए जींस का होता है ना कपड़ा, उस तरह का है। दो एक गेंजी और एक शर्ट बेटा के लिए, जींस कॉटन कपड़ा का जो जींस होता है ना वही है। बस सिर्फ दोनों बच्चे के लिए लिए है। और तो आज का वीडियो बस इतना ही था, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आशा करती हूँ आप लोग को सभी को अच्छा लगे और सभी अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।